उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ये एनकाउंटर उन्हीं लोगों के लिए हुए जिन्होंने पहले हत्या और लूटपाट की है, तो उन्होंने इस पर अजीब बयान दिया है। उन्होंने इस तरह की घटना का होना स्वाभाविक प्रदूषण बताया और इससे कोई भी वंचित नहीं रह सकने की बात भी कही। आखिर क्या कुछ कहा भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने उन्नाव में हुई गैंगरेप की घटना पर, आइए सुनाते हैं। पहले से ज्यादा तो नहीं हुआ है, अभी इनकाउंटर जो है अभी हो रहा है दूसरे की हत्या करने वालों का हो रहा था। जिसमें लूटने वालों का इनकाउंटर नहीं होता है, इन सब को जेल में डाला जाता है। बढ़ाना घटाना पत्रकार जी आप लोगों की लेखनी में है और आपकी बाड़ी में। असली बात जो है पुलिस विभाग से मिलेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अब ये घटना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान राम भी आ जाएंगे, जब राम भी आ जाएंगे तो ये घटना पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं। जो स्वाभाविक प्रदूषण है, समाज का स्वाभाविक प्रदूषण है, स्वाभाविक प्रदूषण से कोई भी वंचित रहने वाला नहीं। उसमें सभी अभिभावकों का और सभी पुत्रियों का, सभी बहनों का और सभी पुत्रों का धर्म है, ये समाज के सभी लोगों को अपना परिवार समझ करके, सबको अपनी बहन समझ करके अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये संस्कार के बल पर ही इस पर नियंत्रण होगा, संविधान के बल पर नियंत्रण। उन्नाव से रत्नेश सिंह, तोमर की रिपोर्ट।